दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल फोन से एक जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हैं तो यार आसान तरीके से कैसे बना सकते हो, मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। इससे आसान तरीका कोई हो ही नहीं सकता। दोस्तों, इससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों को भी शेयर कर देना। बगल में यहाँ पर आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है और आपको बारीकी से समझना है। यहाँ पर जीमेल ऐप आपको देखने को मिलेगा, आपके फोन में भी होगा, आपको ढूंढ लेना है। यहाँ पर आपको क्या करना है कि जीमेल वाले ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद राइट साइड में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लोगो बना हुआ है। कोई भी आपका जीमेल अकाउंट लॉगिन होगा तो इसका लोगो बना होगा, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो सबसे नीचे में आप लोग यहाँ पर देख सकते हो एड इन अदर अकाउंट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर सेटअप करने का आएगा, यहाँ पर आपको क्या करना है कि गूगल वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। गूगल वाले ऑप्शन में क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके फोन का जो लॉग स्क्रीन पासवर्ड है यहाँ पर आपको डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है कि क्रिएट अकाउंट में क्लिक कर देना है, क्योंकि आप लोग एक नया गूगल अकाउंट बनाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको क्रिएट अकाउंट में क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको फॉर माई पर्सनल यूज में क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऊपर में देख सकते हो क्रिएट ए गूगल अकाउंट। अब यहाँ पर आप लोग एक नया गूगल अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर फर्स्ट नाम आपको डालना पड़ेगा और सर नेम लास्ट नाम डालना पड़ेगा। यहाँ पर मैं अपना फर्स्ट नेम डाल दे रहा हूँ। जिस नाम से आप गूगल अकाउंट बनाना चाहते हैं यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम डाल देना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो यहाँ पर बेसिक इन्फॉर्मेशन, इंटर योर बर्थडे एंड जेंडर, यहाँ पर आपको जन्म तिथि अपना डालना पड़ेगा और यहाँ पर जेंडर सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो फटाफट यहाँ पर अपना जन्म तिथि डाल देता हूँ। दोस्तों, आपको भी यहाँ पर अपना जन्म तिथि डाल देना है और यहाँ पर जेंडर में क्लिक करके जो भी आप होंगे यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। इतना करने के बाद यहाँ पर आपके सामने नीचे साइड में नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी में आपको क्लिक कर देना है। इसमें क्लिक करने के बाद चूज योर जीमेल एड्रेस, यहाँ पर जो गूगल है आपको ये जीमेल बनाकर दे देगा। इस तरह से अपना जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हो या फिर अपने से खुद से एक जीमेल अकाउंट क्रिएट करना चाहते हो, नाम क्या रखना चाहते हो, यहाँ पर दो ऑप्शन है। यहाँ पर आप लोग सिलेक्ट करके ये नाम रख सकते हो। अगर आप लोग अपने से बनाना चाहते हो, अपने से क्रिएट करना चाहते हो, यहाँ पर आप लोगों को नीचे में क्रिएट योर ऑन जीमेल एड्रेस यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो जिस नाम से अपना जीमेल अकाउंट बनाना चाहते हो यहाँ पर आपको नाम डाल देना है। मैं यहाँ पर खजाना भाई डाला था, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ खजाना और भाई। इससे पहले यहाँ पर कह रहा है यू कैन यूजर लेटर, यहाँ पर आपको नाम लिखने में यहाँ पर आपको लेटर का उपयोग करना पड़ेगा, नंबर का यूज करना पड़ेगा और फुल स्टॉप से। तो आपको यहाँ पर सब सारी चीजें मिला करके अपना नेम रख लेना है। तो मैं यहाँ पर खजाना भाई और यहाँ पर 24-25 कर दिया, यहाँ पर मैंने इतना लिख दिया। अगर ये नहीं ले रहा है नाम तो मान लो इस नाम से कोई दूसरा अकाउंट बना हुआ है। चलो यहाँ पर नेक्स्ट करते हैं। चलो यहाँ पर हमारा ले लिया गया है। अब यहाँ पर आपके सामने क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, यहाँ पर आपको बहुत ही मजबूत पासवर्ड डालना पड़ेगा कि कोई आंकड़ा भी ना लगा पाए कि इस अकाउंट का क्या पासवर्ड है। यहाँ पर कह रहा है कि पासवर्ड मिक्स ऑफ लेटर नंबर एंड सेम बोल्स, यहाँ पर आपको लेटर नंबर वगैरह सब कुछ शामिल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपना पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर नीचे साइड में नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी में आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट में क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको नीचे आना है, यहाँ पर यस एम इन का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इसी में आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो आपका अकाउंट किस तरह से बना हुआ है, रिव्यूज योर अकाउंट इन्फो, ये खजाना भाई, ये इसके नीचे पर जीमेल पूरा लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मेरा अकाउंट इस तरह से बना हुआ है। अब यहाँ पर नीचे साइड में यहाँ पर आप लोग देख सकते हो नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, इसी में आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर नीचे आने के बाद आई एग्री का ऑप्शन देखने को मिलेगा, इसी में आपको क्लिक कर देना है। दोस्तों, जैसे ही आप आई एग्री करोगे तो आपका जीमेल अकाउंट बनकर रेडी हो जाएगा। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस लोगो में राइट साइड में क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो आप अभी अभी जिस गूगल अकाउंट को बनाए हो, जिस ईमेल अकाउंट को बनाए होगे
यहाँ पर आपको सबसे नीचे में स्टॉक होगा, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो खजाना भाई, ये पूरा सब कुछ तो हो रहा है। अब ये आपका जो गूगल अकाउंट है ये आपका एकदम रेडी हो चुका है, ये आपका बन चुका है। अब इसमें से आप यूट्यूब चैनल बना सकते हो, प्ले स्टोर से काफी सारे ऐप वगैरह अपलोड कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, और बहुत सारी चीजें जीमेल अकाउंट से होती हैं, आप जो भी करना चाहते हो कर सकते हो। दोस्तों अगर आप जीमेल अकाउंट से यूट्यूब चैनल बना करके पैसे कमाना चाहते हो तो यहाँ पर आपको वीडियो दिख रही होगी, यहाँ पर आप लोग क्लिक करके देख सकते हो यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं और उसमें से पैसे कैसे कमा सकते हो। और दोस्तों चैनल में नया है तो सब्सक्राइब वाला बटन दबा लेना है, और गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।